Okay, so hello everyone, we are back again with verbal ability. अब तक हमने क्या किया, हमने analytical skills देखे, हमने mathematical skills देखे, अब हम थोड़ा सा काम करेंगे हमारी verbal ability पे. So we had one session, जो हमारा first session था of the webinar, जहाँ पे हमने थोड़ा सा बात किया था about conversations, कैसे करने हैं, क्या करने हैं, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, और कुछ greetings के बारे में बात की थी. तो दैट वॉज द बेसिक थिंग जब हम कॉन्वर्सेशन करते हैं. पर आज हम बेसिकली स्टार्ट कर रहे हैं विद ऑल द ग्रामर पोर्शन विच इज वेरी नेसेसरी वाइल टॉकिंग ऑल्सो वाइल गिविंग आंसर्स ड्यूरिंग द एप्टीट्यूड टेस्ट. एकदम सिंपल वाली चीजों के साथ हम शुरू करते हैं विच इज द आर्टिकल्स. और उसके बाद वंस वी फिनिश विद द आर्टिकल्स वी विल डू समथिंग अबाउट प्रेपोजिशन एंड विच प्रेपोजिशन इज अ बिग टॉपिक. So let's start with the verbal ability and we are going to do something about the articles. We are going to learn something about it. Articles kya hote hai? Any idea? Asking to everyone. What do you mean by articles? Yes. Kabhi suna hai articles kya hote hai? Nawaz, Rashi, Nikhil, Neha, Keval. Lang, कुछ नहीं. ओके, आर्टिकल्स हमारे वो तीन वर्ड्स होते हैं विच इज ए, एन एंड द. तो यहाँ पे आज हम सीखने वाले हैं ए के बारे में, एन के बारे में और द के बारे में. और ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है व्हाइल वी आर टॉकिंग अबाउट द आर्टिकल्स. नाउ आर्टिकल्स आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन. नंबर वन इज इनडेफिनिट आर्टिकल्स and number two is definite articles. A, an are the indefinite articles and definite article is the. So, aaj hum baat karne wale hain in tino articles ki. Let's start with the first one which is A. Ab jab hum A ki baat karte hain, hum kuch rules samjhenge, kuch rules janenge A ki. Aur phir hum unke baare mein thoda sa padhenge and later on we are going to solve certain fill in the blanks. Okay, A is basically used to denote one. जहाँ पे भी हमको एक की बात करनी होती है, जहाँ पे भी हमको one की बात करनी होती है, और वहाँ पे हम A का इस्तेमाल करते हैं. तो A is used with singular nouns. जहाँ पे भी singular noun होगा, वहाँ पे हम A का इस्तेमाल करते हैं. And for a very simple example is a chair, a table, a postman, a rose, a flower. A fruit. तो ये सारी चीजें जहाँ पे हम एक सिंगुलर नाउन की बात कर रहे हैं वहां पे हम ए की बात करते हैं. The rule here is it is always used before a consonant. Now what do you mean by consonant? Please unmute yourself and tell me. कभी सुना है consonant क्या होता है? Every alphabet except vowels. Okay, so very good, Nikhil. So that is every alphabet except vowels. A, E, I, O, U. इनको छोड़ के जितने भी बाकी के words होते हैं वो हमारे होते हैं consonants. So example is again a house, a raindrop. ये सारे consonants के आगे आप A का इस्तेमाल करते हैं. Number three is to mean one thing or person which is countable. यानी कि कोई भी चीज जिसे आप count कर सकते हैं और उसमें अगर हम वन की बात कर रहे हैं, एक सिंगल चीज की बात कर रहे हैं, तो वहां पे अ बर्ड हो सकता है, अ चाइल्ड हो सकता है, अ बॉक्स हो सकता है, अ बॉटल हो सकता है, क्योंकि ये सारी चीजें आप काउंट कर सकते हो. अगर आपके पास 12 बॉटल हैं, तो आप 12 बॉटल काउंट कर सकते हो और उसमें से आप एक बॉटल की बात कर रहे हो. सो दैट इज अ बॉटल. तो जहां पे भी हम कोई भी एक चीज की बात कर रहे हैं जो काउंटेबल है वहां पे हम ए का इस्तेमाल करते हैं. लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन, नंबर फोर, टू शो अ काइंड, अ क्लास और अ स्पीशीज. यानी कि कोई भी उस वैरायटी का हो, उस क्लास का हो, उस स्पीशीज का हो, तो हम उसके आगे ए लगाते हैं. एग्जाम्पल्स आर गिवन ऑन योर स्क्रीन. अ टाइगर is the largest of all cats. यानी हमारा ये cats है, ये एक species है
और इन कैट की स्पीशीज में जो टाइगर है वो सबसे बड़ा है, तो इसलिए अ टाइगर. अ लैपटॉप इज अ काइंड ऑफ कंप्यूटर. कंप्यूटर में बहुत सारी तरीके के होते हैं ना, डेस्कटॉप्स होते हैं, बड़े वाले सर्वर के कंप्यूटर्स होते हैं, उसमें लैपटॉप इज वन ऑफ इट्स काइंड. तो जो भी एक काइंड है, ये पूरा एक क्लास है कंप्यूटर का, उसमें से एक लैपटॉप की हम बात कर रहे हैं, तो वहां पे भी हम अ का इस्तेमाल करते हैं. नंबर फाइव, टू एक्सप्लेन और टू एक्सप्रेस अ सर्टेन क्वांटिटी. यानी कि एग्जाम्पल दिया गया है अ डजन ऑरेंजेस. ऑरेंजेस बहुत सारे होते हैं, लेकिन वो सारे ऑरेंजेस को अगर कंबाइन कर दे 12 ऑरेंजेस को, तो एक दर्जन बन जाते हैं. तो एक दर्जन बिकम्स वन डजन. सो वन डजन इज ए डजन. अ ग्रुप ऑफ पीपल, ऑल्सो अ ग्रुप ऑफ इंजीनियर्स, अगर इंजीनियर्स हैं तो अ ग्रुप ऑफ ग्रेजुएट्स. तो ये सारा जहाँ पे आप ग्रुप बता रहे हैं, जहाँ पे आप कुछ क्वांटिटी बता रहे हैं, वहां पे आप ए का इस्तेमाल कर सकते हैं. नंबर सिक्स, बिफोर हाफ, व्हेन हाफ फॉलोज अ होल नंबर. थोड़ा सा अजीब सा लगता है सुन के, इसका मतलब ये है कि जहां पे भी हाफ आता है उसके आगे आप ए लगाते हैं, लाइक टू एंड अ हाफ, हाफ अ ग्लास ऑफ मिल्क, हाफ अ लीटर ऑफ ऑयल, थ्री एंड अ हाफ बनाना, फोर एंड अ हाफ कप ऑफ टी. तो जहां पे भी आपको ये हाफ आता है वहां पे आप ए लगाते हैं. लेकिन ये सिर्फ हाफ के लिए है, ये आप वन फोर्थ के लिए नहीं यूज कर सकते, ये आप थ्री फोर्थ के लिए नहीं यूज कर सकते हैं, ये आप वन थर्ड के लिए नहीं यूज कर सकते हैं, ये आप बाकी किसी भी फ्रैक्शन के लिए नहीं यूज कर सकते हैं, आप सिर्फ और सिर्फ हाफ के लिए यूज कर सकते हैं. सो दिस इज द रूल नंबर सिक्स, और हम जा रहे हैं अब रूल नंबर सेवन पे. व्हाट इज रूल नंबर सेवन? टू शो अ रैंक, प्रोफेशन और अ कम्युनिटी. यानी कि आपकी सोसाइटी में अगर आपको किसी का ओहदा बताना है कि भाई वो उस ओहदे पे है, सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस है, या फिर आपको किसी का प्रोफेशन बताना है, भाई ये डॉक्टर है, टीचर है, लॉयर है, तो आप बता सकते हैं. या फिर आप किसी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, एक हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, पंजाबी है, गुजराती है, मराठी है, साउथ इंडियन है, नॉर्थ इंडियन है, तो ये सारी चीजों को अगर हम सोसाइटी टर्म्स में रिप्रेजेंट करते हैं तो उस चीज को भी हम वहां पे ए लगाते हैं. लेकिन हम वो सारी चीजों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उन सारी चीजों में से हम एक चीज को बाहर निकाल रहे हैं और वहां पे हम उसका उसको रिप्रेजेंट करते हैं. नंबर एट, बिफोर वॉवेल्स. वॉवेल्स यानी ए ई आई ओ यू. तो आपके वो वाले वॉवेल्स जहां पे ई और यू आप प्रोनाउंस्ड एज वाई, जैसे यूनिवर्सिटी. कभी सुना है कि आप कभी एन यूनिवर्सिटी बोल रहे हैं जबकि यू इज अ वॉवेल? नहीं, हमेशा अ यूनिवर्सिटी होता है. एंड फॉर दिस अ सिंपल रीजन इज कि यूनिवर्सिटी को जब हम प्रोनाउंस करते हैं तो वो लगता है कि वाई से उसका प्रोनंसिएशन है. तो यूनिवर्सिटी अ यूनिवर्सिटी. द सेम थिंग गोज फॉर यूरोपियन. तो इट बिकम्स अ यूरोपियन कंट्री क्योंकि उसका प्रोनंसिएशन वाई से है. और जैसे यूनियन, तो अ यूनियन. तो ये दिस इज अ एक्सेप्शन वेयर ए इज कंसिडर्ड. और ये आपको बहुत याद रखना है क्योंकि जहां पे भी आपका वाई आता है, प्रोनंसिएशन ऑफ वाई आता है वॉवल्स में, वहां पे आप इस्तेमाल करते हैं ए का. सो इज इट क्लियर टू एवरीवन? एनी डाउट्स? नो मैम, आई थिंक इट्स द बेसिक चीजें, ये सब आपको पता ही है. So we are just rushing through the theory and we can go to the part where we are solving the filling the blanks. Okay, let's go to the next one. Abara hamara A ho gaya hai aur ab hum aate hain an pe. An kis liye use hota hai? Kahan use hota hai? Vowel ke aage A E I O U. तो ये हम सबको बहुत अच्छे से पता है. तो an apple, an umbrella, an orange, ये सारी चीजें वॉवेल है, वॉवेल से शुरू होती है, वहां पे हम एन का इस्तेमाल करते हैं. नाउ हियर इन एन, द अदर थिंग दैट यू हैव टू रिमेम्बर इज द रूल नंबर टू. रूल नंबर टू में है एन आवर, एन ऑनेस्ट मैन,
यहाँ पे वो वाले वर्ड्स हैं जो एच से शुरू होते हैं, और वहां पे इन वर्ड्स में एच साइलेंट होता है, तो जहां पे भी एच साइलेंट हो वहां पे आप इस्तेमाल करते हैं एन का. तो आवर यू से ओ से होता है उसका प्रोनाउंसिएशन आवर, तो फिर आप एच साइलेंट कर देते हैं तो वहां पे आप एन का इस्तेमाल करते हैं. सेम थिंग ऑनेस्ट के साथ एच साइलेंट कर देते हैं तो एन ऑनेस्ट मैन होता है. अगर आप ऑनरेबल बोलते हैं तो एन ऑनरेबल पर्सन होता है. आप ऑनर बोलते हैं तो वहां पे भी एच साइलेंट होता है. लेकिन अगर आप होटल बोलते हैं तो क्या होटल के आगे आप एच लगा सकते हैं, सॉरी एन लगा सकते हैं? नो मैम, नहीं लगा सकते, बिकॉज एच होटल एच से ही शुरू होता है, वहां पे हमारा एच साइलेंट नहीं है. तो दिस इज वन थिंग दैट यू हैव टू रिमेम्बर कि सारे एच से शुरू होने वाले वर्ड्स में एन नहीं लगता है, ओनली दोज वेयर एच इज साइलेंट वहां पे आप करते हैं. द थर्ड वन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज यूज बिफोर एन इंडिविजुअल लेटर स्पोकन विद अ वॉवल साउंड. अब यहाँ पे आप देखिए ये सारे एब्रीविएशन लिख रखे हैं, देखा आपने MLA, MP, SP, NCC, SSC, HSC, ये सारे के सारे का प्रोनाउंसिएशन जो है वो वॉवल से होता है. कैसे प्रोनाउंसिएशन वॉवल से होता है, कैन एनी वन टेल मी दिस? निखिल, नवाज, नेहा, राजश्री, यस मैम। MLA के आगे एन MLA क्यों आता है? ये तो एम है, कॉन्सोनेंट है, वॉवल नहीं है, फिर भी हमने ए एन साइलेंट है, MLA. ए साइलेंट है, MLA एम आएगा ना। एम है ना, साइलेंट कहाँ है? एम साइलेंट नहीं है. हाँ एमपी, बराबर, एमपी, एमपी, MLA में एम बोलने के नाम पे ए आ रहा है फर्स्ट ना। नहीं आता एग्जैक्टली, है। वेरी नाइस. हाँ वही बोला मैंने। एम बोलते हैं ना तो एम आता है, उसका प्रोनंसिएशन ए से होता है, तो एन एमएलए, तो एम एम, एमपी एम, एसपी एस, एनसीसी एन एन. तो यहाँ सब जगह पे आपका जो प्रोनंसिएशन है उसमें वॉवेल आ रहा है, इसलिए आप इस्तेमाल कर रहे हैं एन का. लेकिन ये इस्तेमाल जो आप एन का कर रहे हैं दैट इज ओनली फॉर द शॉर्ट फॉर्म्स. ओके, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एमएलए? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। कितनी हंसी आ रही है निखिल को, मेंबर ऑफ, मैं नहीं हंसा मैम। ओके, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, सो इट इज मेंबर, तो यहाँ पे ए आएगा, तो ही इज अ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली. और वही अगर आप मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली को शॉर्ट कर दें तो ही इज एन एमएलए. तो इन सारे एब्रीविएशंस में जहाँ पे पहले वॉवल साउंड आता है वहां पे आप इस्तेमाल करते हैं एन का. सो दिस इज ऑल अबाउट द रूल्स ऑफ एन. वी गो टू द रूल्स ऑफ द. द कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है? द इस्तेमाल किया जाता है दिस दैट दीज दोज, इन सब की जगह पे, और उन सारी जगह पे जहाँ पे आप किसी को स्पेसिफाई करना चाहते हैं या किसी को इम्पोर्टेंस देना चाहते हैं. किसी भी चीज को आप इम्पोर्टेंस दे रहे हैं या आपके उसके बारे में जानकारी है तो वहां पे आप द का इस्तेमाल करते हैं. जैसे लेट मी शेयर अ एग्जाम्पल. प्लीज गिव मी अ बुक, मैंने किसी से मांगा प्लीज गिव मी अ बुक. तो अ बुक यानी मैं कैजुअली बोल रही हूँ कि कोई भी किताब दे दो. ओके, यहाँ पे एक बहुत कैजुअल अप्रोच है. लेकिन अगर यहाँ पे मुझे एक स्पेसिफिक अप्रोच लेना होगा तो मैं बोलूंगी प्लीज गिव मी द बुक लाइंग ऑन द टेबल. तो द बुक मतलब वो स्पेसिफिक बुक जो टेबल के ऊपर पड़ी है उसी बुक के बारे में मैं बात कर रही हूँ. तो मैं पॉइंट आउट कर रही हूँ उस चीज को और उसको इम्पोर्टेंस दे रही हूँ, उसको स्पेसिफाई कर रही हूँ. तो ऐसी सिचुएशंस में आप द का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि रिमेम्बर द इज यूज्ड विद बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल.
तो कुछ जगह ऐसी होंगी जहां पे आपको लगेगा अ भी लगा सकते हैं और द भी लगा सकते हैं, तो वहां पे आपको पूरा का पूरा सेंटेंस पढ़ना होगा और फिर जानना होगा कि भाई कैजुअल अप्रोच है उस सेंटेंस का कि स्पेसिफिक अप्रोच है उस सेंटेंस का, और तब हम वहां पे ए और द का डिसाइडिंग फैक्टर यूज कर सकते कि भाई कौन सा लगेगा। रूल नंबर टू इज इट इज ऑलवेज यूज टू पॉइंट अ पर्टिकुलर पर्सन और थिंग, यानी आप किसी को भी पर्टिकुलरली पॉइंट आउट कर रहे हो तब आप द का इस्तेमाल कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल द मैन स्टैंडिंग नियर माई फादर इज माई अंकल, तो मेरे पापा के पास जो बंदा खड़ा है वो मेरा अंकल है, तो आप उसे स्पेसिफिकली पॉइंट आउट कर रहे हो, आप उसे स्पेसिफिकली बता रहे हो कि भाई ऐसा है, तो इसलिए आप वहां पे द का इस्तेमाल करते। फिर जैसे कि हमने बात की इट इज यूज फॉर बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल। लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन, बिफोर अ डेफिनेट नाउन विच ऑलरेडी हैज बीन मेंशनड, यानी कि हम किसी की बातचीत कर रहे हैं किसी के बारे में और फिर हम उसके बारे में कुछ खास बताना चाहते हैं, तब हम वहां पे द का इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल लिया है, अ वुमन स्टूड एट द डोर, यानी एक औरत जो ना दरवाजे पे खड़ी है, ठीक है कोई भी खड़ा हो सकता है। द वुमन हैड समथिंग टू सेल, यानी कि यहाँ पे हम बता रहे हैं कि उस औरत के पास बेचने के लिए कुछ है, तो यहाँ पे एक डेफिनेट नाउन था वुमन, और ये वुमन पहले से ही आपने बता दिया है, उसको पहले से ही मेंशन कर दिया है फर्स्ट सेंटेंस में, तो जब दूसरे सेंटेंस में हम उसके बारे में बात कर रहे हैं तब हम वहां पे द का इस्तेमाल कर रहे हैं। द अदर वन इज अ टाइगर इज लार्जेस्ट ऑफ ऑल कैट्स, हाँ टाइगर के बारे में बता दिया वो लार्जेस्ट है ऑफ ऑल कैट्स, द टाइगर इज अ डेंजरस एनिमल। सेकेंड सेंटेंस में हमने क्या किया, उसको स्पेसिफाई किया, उसके बारे में हमने कुछ जानकारी दी, उसको पर्टिकुलरली पॉइंट आउट किया, इसलिए वहां पे हम द का इस्तेमाल करते हैं, द टाइगर इज अ डेंजरस एनिमल। लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन, नंबर फाइव, व्हेन अ सिंगुलर नाउन रिप्रेजेंट्स अ क्लास, व्हेन अ सिंगुलर नाउन, यहाँ पे नाउन क्या है एग्जाम्पल में, द लायन इज अ कार्निवोरस एनिमल, तो ये क्लास क्या है, कार्निवोरस, ठीक है, यानी कि वो एनिमल्स जो सिर्फ मीट्स खाते हैं, नॉन वेजिटेरियन खाते हैं, जो हर्ब्स नहीं खाते, जो प्लांट्स नहीं खाते, तो द लायन इज अ कार्निवोरस एनिमल, इस क्लास के लिए हमने लायन को चुना है इसलिए द लायन। ऑल्सो बिफोर एन एडजेक्टिव व्हेन इट रिप्रेजेंट्स अ क्लास, जब भी एक क्लास के बारे में बात करें जैसे द रिच द पुअर द लॉयर्स द इंजीनियर्स द डॉक्टर्स, तो कोई भी एक क्लास एक पूरी कम्युनिटी एक क्लास के बारे में बात कर रहे हैं तब हम ये इस्तेमाल करते हैं, द रिच आर वेरी वेरी डिसऑनेस्ट, तो हम ये क्या बोल रहे हैं कि भाई जितने भी रिच हैं वो बहुत डिसऑनेस्ट है, या द रिच बिजनेसमैन आर वेरी डिसऑनेस्ट, तो हमने एक पूरा क्लास ले लिया रिच बिजनेसमैन का और कहा कि वो बहुत डिसऑनेस्ट है, तो द रिच। द पुअर ऑलवेज हैव लेस मनी, अरे भाई लेस मनी है, कम है, लोअर क्लास में आ रहे हैं इसलिए तो पुअर हैं, तो द पुअर, तो जहां पे भी ऐसी चीजों का इस्तेमाल होता है वहां पे हम द लिखते हैं। ओके सो वी हैव फिनिश्ड विद द थियोरी पार्ट और अब हम आते हैं हमारे प्रैक्टिकल पार्ट पे जहां पे आप करेंगे कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। मेरा टाइमर 1 मिनट का सेट है, मुझे 2 मिनट सेट करने में बहुत ज़्यादा वक्त लगता, 1-1.5-2 घंटे उसमें लगाने पड़ते क्योंकि वो मुझे ठीक से आता नहीं है। सो व्हाट आई हैव डन इज आई हैव पुट टाइमर फॉर 1 मिनट, आई थिंक यू शुड बी एबल टू फिनिश इन 1 मिनट, अगर नहीं हुआ देन वी कैन स्टिल वेट, यू कैन आफ्टर फिनिशिंग यू कैन अनम्यूट योर सेल्फ एंड टेल मी द आंसर्स। ओके अब यहाँ पे हम हर बार प्रैक्टिस क्विज खेलते हैं, रूल्स क्विज के ये है कि जो भी जीतेगा सबसे ज्यादा आंसर सही देगा उसे 20 रुपए मिलेंगे, हर बार निखिल जीतता है या फिर राशि ने एक बार जीता, तो ये लोग ने अपने अकाउंट में मैंने पैसे नहीं दिए, इन लोगों के पार्टी फंड में चला गया क्योंकि ये तो हमारे पास के बच्चे हैं, हमारे बच्चे हैं। द अदर्स इफ यू आर विनिंग देन यू कैन गिव मी योर पेटीएम नंबर एंड आई विल डिपॉजिट द मनी इन योर अकाउंट।
सो लेट्स स्टार्ट विद योर क्विज. रेडी एवरीवन? मींस बोलिए. कभी हम लोग टी एच ई द और कभी दी ऐसा क्यों बोलते हैं? ये सिर्फ प्रोनाउंसिएशन का फर्क है. कभी हम अमेरिकन इंग्लिश में बोलते हैं, कभी हम ब्रिटिश इंग्लिश में बोलते हैं. पहले सिर्फ दी यूज हुआ करता था, आजकल द यूज करते हैं. दी कहाँ पे यूज करते हैं? जहां पे हमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी हो. दी गर्ल नेहा इज माई फेवरेट, समझे? तो यहाँ पे दी बोल रहे हैं तो हमने तुमको बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस दी, इसलिए हमने दी का इस्तेमाल किया. यस निखिल बोलिए, क्या बोल रहे थे? मैम क्लास और ग्रुप में डिफरेंस क्या होगा? बिकॉज जब हम एन पढ़ रहे थे तो जैसे ग्रुप था वहां पे तो हमने उसके लिए अ यूज किया. वही अभी सबसे लास्ट वाला जो एग्जाम्पल था वहां पे क्लास था, एक पुअर रिच, वहां पे द यूज किया. क्योंकि यहाँ पे जब हम क्लास की बात करते हैं तो क्लास के पास एक स्टेटमेंट जनरेट होता है, जहाँ पे एक जनरलाइज स्टेटमेंट होता है, लेकिन वो उस क्लास की जो ना प्रॉपर्टीज बताता है. ग्रुप में प्रॉपर्टीज बताना जरूरी नहीं है. जहाँ पे भी आप बहुत कैजुअल अप्रोच है, जहाँ प्रॉपर्टीज की बात नहीं कर रहे हैं, जहाँ पे जनरली बोल रहे हैं ग्रुप ऑफ पीपल आर स्टैंडिंग देयर, तो इट्स अ वेरी कैजुअल अप्रोच, वहां पे ए लगा सकते हैं. लेकिन जहां पे आपका जो है ना, आप उनको स्पेसिफिकली पॉइंट आउट कर रहे हो विद सर्टेन प्रॉपर्टीज, द रिच पीपल ऑफ दिस सोसाइटी आर स्टैंडिंग देयर, तो द रिच पीपल आपने पॉइंट आउट किया कुछ लोगों को और आपने उनको एक रिच एक कैटेगरी दे दी रिच पीपल, तो वहां पे आप द का इस्तेमाल करोगे. एक बहुत ही सिंपल चीज जो आपको याद रखनी है, अगर आपको रूल्स नहीं भी याद रहते हैं, द इज ऑलवेज used to point out something, to give importance or to specify something. Okay. And like Neha said, ki kahin kahin hum the ka istemal karte. To the Prime Minister of India is Narendra Modi, who is a very good orator. To yahan pe hum Prime Minister ki already baat kar rahe the, aur uske baad next sentence mein humne Prime Minister ko bahut zyada importance diya. तो वहां पे हम दी का इस्तेमाल करने लगते हैं. पर ये जरूरी नहीं है, आप द बोल के भी चलेगा. या फिर दी स्टूडेंट्स ऑफ दिस कॉलेज आर वेरी एफिशिएंट, तो दी इसलिए यूज किया क्योंकि आप डबल इंपॉर्टेंस दे रहे हैं कि भाई ये स्टूडेंट्स जो स्टूडेंट्स है इस कॉलेज के वो ज्यादा एफिशिएंट है. एनी अदर डाउट्स? नेहा क्लियर? निखिल क्लियर? यस मैम. बाकी सब क्लियर है? So, आपके पेन और पेपर आपके पास होंगे एंड लेट्स स्टार्ट विद आवर क्विज. 1 मिनट का टाइमर स्टार्ट हो गया है. यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक्स आपको डालना है, ए एन या द. और कहीं आपको ऐसा लगे कि कोई भी चीज नहीं आ रही है, आपको वो छोड़ देना है, तो प्लीज पुट एन एक्स कि यहाँ पे कोई आर्टिकल आएगा ही नहीं. That is also an option. Fine. कैसे बताऊं? Bye. Yes, time is over. Answer नहीं आया मेरे पास किसी का भी. मैंने answers लिखे भी नहीं है, तो answers आपको ही मुझे बताने हैं. भाई वक्त खत्म हो गया. मैम आपको मतलब माउथ बोलना है फिर टाइप करना है इधर? नहीं नहीं बोल दीजिए, हम बहुत थोड़े ही लोग हैं. ओके मैम बोल दो.
हाँ जी बोलिए. बाइंग अ हाउस इज ऑफन एन एक्सेलेंट इन्वेस्टमेंट. ओके फर्स्ट वन, अ हाउस दैट माय पेरेंट्स ओन हैज डबल इन वैल्यू ओवर द पास्ट 10 इयर्स. ओके हां, एन ईयर अगो ही वाज अर्निंग रुपीस 20,000 अ मंथ. अ कैट डोंट यूजुअली लाइक द डॉग्स. द सिक्किम दैट माय ग्रैंड पेरेंट्स ग्रो अप इन वाज लार्जली अनडेवलप्ड लैंड. ओके, एनी चेंज इन दिस? आई थिंक लास्ट वन थर्ड का ही आएगा. थर्ड का क्या आएगा? ए ए थर्ड में एन है, मैंने लिखा एन है. एन है मैम. ओके ओके, चलिए मैं और बोलती हूँ. हाँ बोलो निखिल, एनी चेंज? लास्ट में एक्स आएगा. सिक्किम के आगे ए एन द तीनों अच्छा नहीं लग रहा था. द सिक्किम. कितने लोग फिफ्थ वाले के लिए बोलते हैं कि द सिक्किम होना चाहिए? मैम फ्रॉम माय साइड नवाज. नवाज से द होना चाहिए. निखिल से कुछ नहीं होना चाहिए. नेहा क्या सिक्किम के आगे क्या आएगा? द आएगा क्योंकि वो प्लेस है. द आएगा. ओके धीरज क्या आएगा? एन ईयर अगो. श्रद्धा क्या आएगा? राजश्री. मेरी राष्ट्रीय केवल कहाँ है? द ओके मैम, चैट बॉक्स में आंसर है जो भी है. चैट बॉक्स में है. ओके मैम. ए एम द ओके. लेट्स गो टू द आंसर पार्ट. आप अपने अपने चेक कर लीजिएगा. ओके यहाँ पे आंसर है. फर्स्ट वन इज बाइंग अ हाउस इज ऑफन एन एक्सीलेंट इन्वेस्टमेंट. तो पहले ए आएगा और फिर एन आएगा. नेक्स्ट वन इज द हाउस दैट माय पेरेंट्स ओन हैज डबल्ड इन वैल्यू ओवर द लास्ट 10 इयर्स. ओके तो यहाँ पे भी फिर से द और द आएगा. देन यू हैव एन ईयर अगो. यहाँ पे वाई साइलेंट है और ई ए आर प्रोनंसिएशन है इसलिए एन आएगा. ओके तो यहाँ वॉवल से प्रोनंसिएशन हो रहा है इसलिए हमने लास्ट पढ़ा था ना यूरोपियन यूनिवर्सिटी, तो ऐसा ही ईयर. तो एन ईयर. नंबर फोर इज द कैट्स. किसी ने मुझे बोला, नवाज ने बोला अ कैट. अ कैट्स नहीं होगा, कैट्स है, प्लूरल है. तो अ तो आ ही नहीं सकता, एन भी आ ही नहीं सकता, तो द ही आएगा. द कैट्स डोंट यूजुअली लाइक द डॉग्स. प्लस यहाँ पे हम इम्पोर्टेंस दे रहे हैं द कैट्स, आप उनको स्पेसिफाई कर रहे हो. यस मैम. नंबर फाइव इज अगेन निखिल. यहाँ पे द आएगा. द सिक्किम मतलब आप सिक्किम को पॉइंट आउट कर रहे हो कि वो सिक्किम जहां मेरे ग्रैंड पेरेंट्स बड़े हुए थे वो लार्जली अनडेवलप्ड लैंड था. तो यहाँ पे आप उसको पर्टिकुलरली पॉइंट आउट कर रहे हो, आप उसको पर्टिकुलरली ये चीज बता रहे हो उसकी, इसलिए यहाँ पे द आएगा. सो इज इट क्लियर फॉर एवरीवन? राष्ट्री को सारे फुल एकदम सही बोला उसने. सो नहीं मैम, एक रॉन्ग हुआ है. एक रॉन्ग हुआ है. हाँ मैम, थर्ड वाला. ओके बोलिए निखिल. मैम बट पहले सोचा था मैंने सिक्किम जगह है तो द तो लगा सकते हैं, बट लाइन भी सही नहीं लग रही थी. द सिक्किम दैट माय ग्रैंड पेरेंट्स ग्रो अप. हाँ अगर मैं ये बोलूं कि आई वांट टू विजिट सिक्किम, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने द सिक्किम नहीं लगाया क्योंकि एक कैजुअल अप्रोच है कि मुझे सिक्किम जाना है, मुझे सिक्किम घूमना है, ठीक है. लेकिन यहाँ पे वो स्पेसिफाई कर रहा है कि वो उस सिक्किम की बात कर रहा है जहाँ उसके ग्रैंड पेरेंट्स पैदा हुए थे. तो यहाँ पे वो पॉइंट आउट कर रहा है उस सिक्किम का. आज सिक्किम अनडेवलप नहीं है, पर वो सिक्किम जहाँ उसके ग्रैंड पेरेंट्स बड़े हुए थे वो अनडेवलप था. तो यहाँ पे वो स्पेसिफिकली पॉइंट आउट कर रहा है, स्पेसिफाई कर रहा है और इम्पोर्टेंस दे रहा है सिक्किम को, इसलिए द सिक्किम आता है. एम आई क्लियर? आगे चले. यस मैम. यस. Okay, let's go to the next. And your time starts now. Again, जहां पे भी अभी अगर आपको ये लगेगा कि
एक्स लगाना है, कोई भी ए एन द नहीं आ रहा है तो आप वो लगा सकते हैं। टाइम खत्म हो गया भाई, सॉरी। आंसर्स किसके पास हैं? यस, मुझे कहीं से भी आंसर्स नहीं मिल रहे हैं, चैट में भी नहीं आए। यू हैव टू यूज ए एन एंड द, और जहां जहां पे आपको लगे कि कुछ नहीं आएगा इन तीनों में से, वहां पे आप एक एक्स डाल सकते हैं। तो इट इज पॉसिबल इन दैट इन सर्टेन फिल इन द ब्लैंक्स यू वोंट हैव टू ऐड एनी आर्टिकल एट ऑल। Okay, let me ask you again, who has finished? Yes, everyone, it's very easy. Come on, be fast. Another 10 seconds and then I am giving you the answers if you are not giving me the required answers. Okay. कुछ गलत है निखिल? मैम वो आंसर के टाइम देख लिया जाएगा। ओके, लेट्स गो टू द आंसर्स। ओके, राजश्रीका भी आ गया, निखिल आ गया, नवाज आ गया। धीरज ने पिछली बार का दिया था कि इस बार का दिया था? ओके, चलिए चेक करते हैं। लेट्स गो टू द आंसर पार्ट। डैश मोस्ट ऑफ डैश स्टूडेंट्स हैवंट हैड एनी ऑफ डैश एग्जाम्स येट। फर्स्ट क्या आएगा? कुछ आएगा? अ मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स, द मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स एंड मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स। लगता है कुछ लगना चाहिए यहाँ पे? नहीं मैम। नहीं ना। The first one is X. Most of the students haven't had any of the exams yet. Yani 6 mein first fill in the blanks will be a cross aur baki do mein the and the. Let's go to number 7. When I was in India. Yahan pe kuch nahi aayega. I stayed in Delhi. Bahut hi casual way mein कहा गया सेंटेंस है। यहाँ पे हम कहीं भी इंडिया को पॉइंट आउट नहीं कर रहे हैं, कहीं भी इंडिया के बारे में या दिल्ली के बारे में कुछ स्पेसिफिक चीज नहीं बता रहे हैं। तो यहाँ पे और अ लगाने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ये एक प्रॉपर नाउन है, इंडिया और दिल्ली, तो अ नहीं आएगा। नंबर 8, माई मदर विल प्रिपेयर अ ह्यूज फीस्ट फॉर द क्रिसमस डे। भाई मेरी मम्मी ह्यूज फीस तो हमेशा प्रिपेयर करती है, इसलिए अ ह्यूज फीस। लेकिन किस लिए प्रिपेयर कर रही है? क्रिसमस डे के लिए, इसलिए द क्रिसमस डे। नंबर 9, प्रेसिडेंट अब्दुल कलाम, ए प्रेसिडेंट एंड प्रेसिडेंट, द प्रेसिडेंट, कुछ भी सेट नहीं हो रहा है। प्रेसिडेंट अब्दुल कलाम वॉज वन ऑफ
द मोस्ट बिलवड प्रेसिडेंट ऑफ आर टाइम, यहाँ पे हमारा एक नाउन आ जाता है, द नाउन इज प्रेसिडेंट अब्दुल कलाम, और इनके बारे में हम ये बता रहे हैं कि ही वॉज द मोस्ट बिलवड प्रेसिडेंट, इसलिए यहाँ पे आएगा द. माई ब्रदर अटेंड्स डैश यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली वाइल माई सिस्टर अटेंड्स डैश नेहरू जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी कॉलेज. तो यहाँ पे फर्स्ट आएगा द. माई ब्रदर अटेंड्स द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, भाई यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली है द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली. वाइल माई सिस्टर अटेंड्स जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी कॉलेज, यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा, अ लगाने की भी जरूरत नहीं है और द लगाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जब वो ये सेंटेंस बोल रहा था तब उसका सारा एम्फेसिस और सारा इम्पोर्टेंस यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में था, और उसका इम्पोर्टेंस कम हो गया जब जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी कॉलेज के बारे में हमने बात की. इज इट क्लियर? एनी डाउट्स एनीवन? मैम 10th का आंसर क्या आएगा, वापस रिपीट करना. माई ब्रदर अटेंड्स द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली वाइल माई सिस्टर अटेंड्स जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी कॉलेज, यानी एक ही आर्टिकल आएगा विच इज द, और दूसरा वाला आपका क्रॉस होएगा. ओके चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस फॉर यू. ये रहे आपके बाकी के 5 क्वेश्चंस और आपका टाइमर शुरू हो गया है अब. अरे मेरा टाइमर ही नहीं शुरू हुआ, कुछ गड़बड़ हो गई मेरे टाइमर में. हाँ ओके ओके 1 मिनट. 5 फिल इन द ब्लैंक्स, पुट आर्टिकल्स वेयर एवर यू कैन एंड द प्लेसेस वेयर यू डोंट फील देयर शुड बी एन आर्टिकल यू कैन लेट इट गो. हाँ जी लास्ट फ्यू सेकेंड्स, अब तो फटाफट हो जाना चाहिए. दो क्विज दे दिया आपने, 10 क्वेश्चंस. ओके द टाइम इज अप एंड आई डोंट हैव एनी आंसर्स येट, मेरे चैट में भी नहीं आए कोई आंसर्स. मैम 11th वाले में फर्स्ट द फिर एन और थर्ड में कुछ नहीं. ओके 12th 12th में पहले में अ आएगा, सेकंड में कुछ नहीं. 13th फर्स्ट में अ आएगा, सेकंड में द. 14 एन ओ. 15 द. आई स्टडीड द अर्थ द सन एंड अ मून. 16 एल्स हु वुड लाइक टू चेंज द आंसर्स? Okay, let's go to the answer part then. The waters of the Atlantic Ocean are much warmer than the water than those of the Pacific Ocean. मतलब मैंने यहाँ पे number 11 में 3 बार 10-10 का इस्तेमाल किया है. Okay, what we can do is फिर से सोचिए.
यस एवरीवन, लेट्स गो टू नंबर 12. किसी को चेंज करना है? निखिल चेंज करना है क्या आंसर? ओके, सो फर्स्ट आंसर इज 11 का द द द. वी सॉ अ फेमिलियर फेस. कोई फेमिलियर फेस है, कौन है ये नहीं पता हमें. वी सॉ अ फेमिलियर फेस एज इट पुल्ड इनटू द ड्राइववे. क्यों द? क्योंकि आप ड्राइववे बता रहे हैं, आप स्पेसिफाई करें कि आपने पुल किया, यानी आपने ड्राइववे में चला के गए, इसलिए द. नंबर 13, व्हाइल ह्यूमंस यूज अ रीजन टू मेक डिसीजंस, एनिमल्स रिलाय ऑन इंस्टिंक्ट्स. अब यहाँ पे द भी आ सकता है, और यहाँ पे अगर हम चाहें तो एक क्रॉस भी कर सकते हैं. लेकिन अगर मुझे ये सेंटेंस पूरा करना हो और मुझे कोई भी ये ऑप्शन नहीं दिया गया हो कि सिर्फ आर्टिकल्स लगाने हैं, तो मैं यहाँ पे लगाऊंगी व्हाइल ह्यूमंस यूज अ रीजन टू मेक डिसीजंस, एनिमल्स रिलाय ऑन देयर इंस्टिंक्ट्स. ठीक है, टी एच ई आई आर, देयर. तो वो देयर मैं लगाना चाहूंगी. क्योंकि मैं देयर नहीं लगा सकती तो मैं द भी लगा सकती हूँ. और क्योंकि अगर आपका सेंटेंस आप द नहीं लगा रहे हो, आप एकदम कैजुअल वे में अगर बोल रहे हो, तो यहाँ पे आपको कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है. सो फॉर मी दिस इज अ क्रॉस, बट इफ यू आर पुटिंग द देयर देन ऑल्सो इट विल बी ओके. नंबर 14, अरे ये तो इतना इजी प्रोवर्ब है, ईटिंग एन एप्पल अ डे विल कीप द डॉक्टर अवे. और डॉक्टर नहीं होगा, द डॉक्टर होगा, क्योंकि वो सिर्फ डॉक्टर को अवे करेगा, बाकी सब लोगों को आने देगा. लॉयर्स भी आ सकते हैं, कोरोना भी आ सकता है, ठीक है, सिर्फ डॉक्टर को भगाएगा वहां से. तो मैम फायदा क्या हुआ फिर? इट्स अ वेरी ओल्ड प्रोवर्ब, निखिल ये बहुत बार सुना होगा, ईटिंग एन एप्पल अ डे विल कीप द डॉक्टर अवे. तो द डॉक्टर, कोरोना आ गया फिर भी डॉक्टर को भगा देंगे हम. ओके, लास्ट सेमेस्टर इन माय एस्ट्रोनॉमी क्लास आई स्टडीड अर्थ, सन एंड द मून. ठीक है, अब यहाँ पे दो ऑप्शंस हो सकते हैं. अगर हम कैजुअली बोल रहे हैं तो आई स्टडीड अर्थ सन एंड द मून, यानी द मून तो क्योंकि एंड में है तो वहां उसको इंपॉर्टेंस देनी ही होगी, तो द लगाएंगे आप. पर अगर आपको सबको इंपॉर्टेंस देनी है तो आप लगाएंगे आई स्टडीड द अर्थ द सन एंड द मून. ठीक है, तो ये दो तरीके से इसका आंसर हो सकता है, बट फॉर मी द आंसर विल बी द द द. आई स्टडीड द अर्थ द सन एंड द मून. सो आर वी क्लियर? यस मैम. यस मैम. तो किसने सही जवाब दिया? मुझे नहीं लग रहा है किसी ने भी सारे जवाब सही दिए. चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं. ए एंड बहुत सिंपल चीज है, पर लगाते वक्त जो ना गड़बड़ हो जाती है. द लास्ट सेट ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स फॉर यू इज राइट हियर ऑन योर स्क्रीन एंड योर टाइम हैज स्टार्टेड. लास्ट 5, 16, 17, 18, 19 and 20. तो ये लास्ट 5 आपके लिए है. ओके, फ्यू मोर सेकेंड्स. अब तो जल्दी जल्दी होना चाहिए, और ये तो बहुत छोटे हैं, एक एक ही हैं. ओके, ये हो गया आपका टाइम खत्म. तो बताइए जवाब जल्दी से. मैम फर्स्ट में दो. ओके, सेकंड में कुछ नहीं. ओके, थर्ड में फर्स्ट में फर्स्ट वाले ब्लैंक में दो आएगा. Okay. और सेकंड में द तो लगा रहा हूँ, मगर लाइन उतनी अच्छी नहीं लग रही है मुझे.
फिर उसके बाद फोर्थ में अ आएगा, फिफ्थ में फर्स्ट वाले में अ आएगा, सेकंड में एन आएगा. ओके, किसी और को जवाब देना है कि शैल आई गो फॉर, शैल आई शेयर द आंसर्स? बताइए. नेहा ने बोला ट्वेंटी का द बचर एट द मार्केट गेव मी एन एक्सेलेंट बियर ऑफ मस्ट. ठीक है, चलिए फर्स्ट पे जाते हैं. आफ्टर हर मदर स्कोल्डेड हर, शी स्लैम्ड द डोर टू हर बेडरूम. यहाँ पे आएगा द डोर, क्योंकि उसने डोर को स्लैम किया, तो आप इम्पोर्टेंस दे रहे हैं यहाँ पे. माय नेबर टुक केयर ऑफ द किटन्स, किटन्स प्लूरल है. ठीक है, अगर आप इस चीज को कैजुअली बोलते हैं, अगेन इसके दो आंसर्स हो सकते हैं. अगर आप कैजुअली बोलते हैं माई नेबर टुक केयर ऑफ किटन्स, तो यहाँ पे एक्स आएगा. और अगर आप किसी को इम्पोर्टेंस देके बोल रहे हैं, माई नेबर टुक केयर ऑफ द किटन्स वाइल माई फैमिली वेकेशन, तो फिर यहाँ पे द आएगा. फॉर मी द आएगा, क्योंकि माई फैमिली वेकेशन मैं कुछ स्पेसिफाई कर रही हूँ और उसके रिलेशन में किटन्स की बात कर रही हूँ, इसलिए द आएगा. नंबर 18, ये इस तरह के क्वेश्चंस मैंने आपको एग्जाम्पल था ना तब भी दिए थे. ये नेबर इज अ नाउन, यहाँ पे नेबर इज अ नाउन. माय नेबर फाउंड अ किटन, मतलब उसे एक किटन मिला. हैविंग नो पेट्स ऑफ हर ओन, शी डिसाइडेड टू कीप द किटन. तो शुरू में ये किटन जो है ना, ये बहुत कैजुअली बोला गया कि एक किटन मिल गया, एक बिल्ली का बच्चा मिल गया था भाई, पर उसके पास कोई पेट्स नहीं थे, इसलिए उसने डिसाइड किया कि वो किटन को रखेगी. तो यहाँ पे उसने इम्पोर्टेंस दी किटन को, इसलिए यहाँ पे द आएगा. तो अ एंड द. ही लव्स द कार. अ कार, कोई भी कार को प्यार करता है क्या वो? और कोई भी कार को वॉश और वैक्स करता है क्या वो? नहीं नहीं नहीं, वो अपनी कार को करता है, माई कार को करता है. लेकिन यहाँ पे माई नहीं लिख सकते, आर्टिकल लिखना है, इसलिए द कार आएगा. ओके, नंबर 20, नवाज बुचर एट द मार्केट. अब यहाँ पे दो स्पेसिफिक चीज हो सकती है. अगर आप बहुत इंपॉर्टेंस दे रहे हैं बुचर को, तो यहाँ पे आएगा द बुचर एट द मार्केट गेव मी एन, एन एक्सीलेंट में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, एन एक्सीलेंट कट ऑफ बीफ फॉर माई स्टू. स्टू बनाते हैं वो रस्से वाला कुछ होता है बीफ का, उसको स्टू बोलते हैं. तो यहाँ पे अ बुचर, क्योंकि कोई भी बुचर हो सकता है, तो थोड़ा सा कैजुअली उसने बोला था, तो मेरे हिसाब से अ बुचर आना चाहिए. लेकिन अगर आपको लगता है कि जब वो बोलने में अगर वो इम्पोर्टेंस दे रहा है, तो यहाँ पे द बुचर का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं. बट फॉर मी इट इज अ बुचर. आई गेस आप लोगों को समझ आ गया ए एंड द कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं. ओके, सो विद दिस वी कंप्लीट द सेशन फॉर आर्टिकल्स, जहाँ पे हमने इनडेफिनेट आर्टिकल्स दैट इज ए और एन के बारे में बात की, डेफिनेट आर्टिकल्स दैट इज द के बारे में बात की, उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस हमने समझे कि कहाँ पे क्या क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, और हमने फिर क्या किया उसके बेस पे हमने कुछ फिल इन द ब्लैंक्स किए. टू बी प्रिसाइज 20 फिल इन द प्रैक्टिस फिल इन द ब्लैंक्स फॉर आर्टिकल्स. सो विद दिस वी फिनिश द सेशन फॉर आर्टिकल्स एंड वी कंटिन्यू फॉर द सेशन विद प्रेपोजिशंस. यू हैव टू गिव मी अ सेकेंड वेयर आई कैन स्टार्ट द स्क्रीन शेयरिंग for my prepositions part. Okay, so here comes the prepositions where we go for the next session of verbal ability, and here we are going to learn something about prepositions. Prepositions topic थोड़ा सा बड़ा है, क्योंकि बहुत सारे प्रेपोजिशंस हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं. हम ये क्यों इस्तेमाल करते हैं, कैसे इस्तेमाल करते हैं, कहाँ इस्तेमाल करते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें मैं आपको एक एक करके बताऊंगी.
So we are going to start with the prepositions. We will be reading all about it. And then finally, hum again will do certain fill in the blanks, but try to do it in a different way, different than articles. Okay, so we have the verbal ability and prepositions. So here we are going to know how to use the prepositions and how to love their usage in the English language. Okay. तो प्रेपोजिशंस क्या होते हैं भाई? प्रेपोजिशंस होते हैं छोटे छोटे शब्द, शॉर्ट वर्ड्स लाइक एट, इन, ऑन, बिफोर, आफ्टर, ऊपर, अबव, बिलो, अंडर, डाउन, बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं जो बताते हैं आपकी पोजीशन, जो बताते हैं लोकेशन, जो बताते हैं डायरेक्शन, जो बताते हैं टाइम. ये सारी चीजों को दर्शाने के लिए वी आर हैविंग सम स्मॉल शॉर्ट वर्ड्स कॉल्ड एज प्रेपोजिशंस. दीज प्रेपोजिशंस आर वर्ड्स विच कैन बी यूज्ड बिफोर बिफोर अ नाउन और अ प्रोनाउन, यानी संज्ञा और सर्वनाम के पहले आप प्रेपोजिशंस का इस्तेमाल कर सकते हैं. बेसिकली यूज्ड टू शो रिलेशन विद सम अदर वर्ड इन द सेंटेंस. सम वे इट विल बी रिलेटेड टू सम वर्ड. Or sometimes it is also used to show relation between two sentences. So, ye prepositions hain jahan pe position, location, direction, time batata hai, noun ya pronoun ke aage aata hai, and it is basically to show relation with some word or some sentences. Now, let's see some prepositions. Sabse pehle hum dekh rahe hain prepositions of time. यहाँ पे कुछ प्रेपोजिशंस ऑफ टाइम दिए गए हैं, जैसे ऑन. ऑन कहाँ पे यूज करते हैं? डेज ऑफ द वीक में. कैसे यूज करते हैं? ऑन मंडे, ऑन थर्सडे, ऑन फ्राइडे, आई विल बी देयर ऑन मंडे. तो ऐसे इस्तेमाल होता है ऑन का. इज इट अंडरस्टूड? नेक्स्ट वी गो टू इन. इन कहाँ कहाँ पे यूज कर सकते हैं? हम टाइम के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं, प्लेस के अकॉर्डिंग नहीं बात कर रहे. सो इन मंथ्स, सीजन, टाइम ऑफ द डे, ईयर, आफ्टर अ सर्टेन पीरियड. जब भी हम बोलते हैं व्हेन, कब मिलोगे, व्हेन, व्हेन विल यू मीट मी, इन एन आवर, इन टू आवर्स, इन थ्री आवर्स, तो वहां पे हम इनका इस्तेमाल करते हैं. आई वॉज बॉर्न इन ऑगस्ट, आई लव द स्काई इन द मॉर्निंग, इन 2006 मदन बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. तो ये सब जगह पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं इनका. एट, एट हम इस्तेमाल करते हैं फॉर नाइट, एट नाइट. आई विल बी गोइंग फॉर अ मूवी एट नाइट. फॉर वीकेंड, एट द वीकेंड आई विल बी मीटिंग माई फ्रेंड्स. अगेन एट अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम, व्हेन के जब हम बात करते हैं ना, एट हाफ पास्ट नाइन the clock will be striking, at half past nine my father will come home. So jab hum is tarah ka time bolte na, half past nine, half past ten, quarter to ten, wahan pe at ka istemal hum karte hain. Yes, since, bahut important hai ye janna ki since aur for mein kya difference hai aur wo dono ko kaise istemal kiya jata hai. Since हम इस्तेमाल करते हैं from a certain point of time, पर वो अभी तक चल रहा है, वो काम चलता जा रहा है, तब से आज तक आप उस काम को कर रहे हैं, इसलिए वहां पे since बोला जाता है. This store has been operating since 1980. आपने देखा ना, हर जगह brands के आगे आता है Raymond's since 1944. Maybe Nike since 1829. मतलब तब से ये चालू है और आज तक चलते जा रहा है, तो वहां पे हम since बोलते हैं. और for कब इस्तेमाल करते हैं? For वहां इस्तेमाल करते हैं जहां पे past से लेकिन एक period of time दिया गया है. This store has been operating for 2 years. मतलब आज से 2 साल पहले से शुरू हुआ था और आज तक ऑपरेट कर रहे हैं. तो यहाँ पे हम टाइम देते हैं, एक टाइम फ्रेम देते हैं, एक सर्टेन पीरियड देते हैं, तो वहां पे हम फॉर इस्तेमाल करते हैं. और जहां पे हम सिर्फ डेट देते हैं या ईयर देते हैं, वहां पे हम इस्तेमाल करते हैं सिंस का. नेक्स्ट कम्स अगो.
अगो यानी कि पास्ट में एक वक्त, थोड़ा सा वक्त आगे, पिछला पास्ट में. आई बॉट दिस साइकिल 2 years अगो, यानी 2 साल पहले मैंने ये साइकिल खरीदी थी. ओके, बिफोर यानी किसी एक टाइम के पहले. बिफोर 2004 देयर वर नो मोबाइल फोन्स. तो 2004 से पहले कोई भी मोबाइल फोन नहीं था. तो 2004 एक टाइम दिया गया और उससे पहले कुछ है वहां पे बिफोर लगाते. और अगर आप टाइम फ्रेम नहीं दे रहे हो, आप सिर्फ ये कह रहे हो कि पास्ट में कुछ हुआ है, तो आई मेट यू टू वीक्स अगो, मैंने तुम्हें 2 हफ्ते पहले ही तो मिले थे, तो वहां पे आप अगो का इस्तेमाल करते हैं. लेट्स गो टू द नेक्स्ट. आई होप दिस इज क्लियर. प्लीज पुट इट इन द चैट बॉक्स इफ इट इज क्लियर. और अगर नहीं आ रहा है तो प्लीज अनम्यूट करके बात कर लीजिए. मैम सिंस और फोर का एक बार वापस बताओ मैम. ओके, सपोज आपकी एक टेक्सटाइल की एक फैक्ट्री है और आपका एक ब्रांड है, ठीक है. आपने वो ब्रांड आपके बाप दादाओं ने कभी 1800 साल में शुरू किया था, 1801, और वो ब्रांड आज तक चल रहा है 2020 तक. तो जब आप एडवर्टाइजमेंट करते तो आप क्या लिखते हैं कि माई ब्रांड इज वर्किंग सिंस 1801, मतलब तब से वो शुरू हुआ है और आज तक चलता जा रहा है. तो कोई काम बहुत पहले शुरू हुई हो और वो आज तक चलता जाए तो वहां सिंस का इस्तेमाल करते हैं. हाँ मैम, फॉर भी वैसा ही होता है, लेकिन फॉर में एक टाइम फ्रेम देते हैं, 2 साल 3 साल 4 साल. दिस स्टोर इज ऑपरेटिंग फॉर 2 years, मतलब 2 साल पहले से ये ऑपरेट कर रहा है. द ऑपरेशन इज ऑफ दिस स्टोर इज फॉर 2 years, 2 साल से इस स्टोर का काम चल रहा है. तो वो तब से वो भी चल रहा है, लेकिन यहाँ पे आपने टाइम फ्रेम दे दिया कि 2 साल है, 4 साल है, 6 साल है. ओके ओके मैम, थैंक यू. लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन. हम और प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम करने वाले हैं. टू, जब भी हम टाइम बताते हैं तो हम बोलते हैं 10 to 6, मतलब 6 बजने में 10 मिनट बाकी है. 15 to 6, मतलब 6 बजने में 15 मिनट बाकी है. तो वहां पे टाइम के हिसाब से हम टू का इस्तेमाल करते हैं. पास्ट, जब भी हम अगेन टाइम बोलना चाहते हैं, लेकिन वो टाइम बीत गया है जो उसके कॉन्टेक्स्ट में हम बात करते हैं. 10 past 6, मतलब 10 मिनट हो गए, 6:10 बज गए, 6 बजे और उसके पास 10 मिनट और हो गए. 20 minutes past 6, यानी 6:20 हुए हैं. तो वहां पे हम पास्ट का इस्तेमाल करते हैं. अब ये सारी चीजें हम नॉर्मल इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं बोलते हैं. हम क्या बोलते हैं, इट्स 6:10, ओके, इट्स 5:15, या फिर 6:15 बज गए, 6:30 बज गए. बट वी डोंट यूज दिस वर्ड्स एज पास्ट, क्वार्टर. लेकिन जब आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना एप्टीट्यूड में, तब ये जरूर पूछा जा सकता है. ओके, देयर इज अनदर वन, टू, टिल, अंटिल. ये हम तब इस्तेमाल करते हैं जब भी हम एक मार्किंग देते हैं कि भाई आज से शुरू हुआ है, परसों तक चलेगा. दिस एग्जीबिशन इज फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे. दिस एग्जीबिशन इज फ्रॉम मंडे टिल फ्राइडे. दिस एग्जीबिशन इज फ्रॉम टूडे अंटिल फ्राइडे. तो आप ये तीनों चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं वहां पे, जहां पे आप एक बिगिनिंग देते हैं और एक एंड देते हैं एक पीरियड ऑफ टाइम का. ओके, आई विल बी गोइंग टू कॉलेज फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे, मतलब मंडे से फ्राइडे आप जाने वाले हैं, सैटरडे संडे आप नहीं जाने वाले हैं. तो वहां पे आप टू, टिल, अंटिल तीनों का इस्तेमाल कर सकते हैं. और अगर आपने तीनों आंसर्स में से कुछ भी लिखा है तो वो करेक्ट ही होगा. द नेक्स्ट वन इज अगेन टिल एंड अंटिल. उसमें टिल एंड अंटिल हम तब यूज करते हैं जब हम ये बताते हैं कि कोई चीज कब तक रहेगी. ही इज ऑन हॉलीडे अंटिल फ्राइडे. एवरीवन इन इंडिया इज ऑन हॉलीडे until COVID-19 goes away. मतलब जब तक COVID-19 चला नहीं जाएगा तब तक हम सब हॉलीडे में. वो हॉलीडे पे है फ्राइडे तक. तो टिल और अंटिल का हम इस्तेमाल करते जब भी हम हिंदी में बोलते तक, इस तक होगा. ओके, ही इज ऑन हॉलीडे टिल फ्राइडे, ही इज ऑन हॉलीडे अंटिल फ्राइडे. दोनों का मतलब सेम ही होता है.
द नेक्स्ट वन इज बाय. बाय मतलब एकदम, अगर आप वक्त के लिए बोल रहे हैं मतलब मैं पक्का इस वक्त तक आ जाऊंगा. आई विल बी बैक बाय 6 o'clock, मतलब 6 बजे तक हर हालत में आ जाऊंगा. हो सकता है 6 बजे से पहले भी आ जाओ, बट आई विल बी बैक बाय 6 o'clock. अगर मुझे ये कहना है कि मैं पक्का 6 बजे आ जाऊंगा, तो मुझे बोलना पड़ेगा आई विल बी बैक एट 6 o'clock. मीन्स यू आर गिविंग अ टाइम वेयर यू आर सेइंग कि 101% आई विल बी बैक एट 6 o'clock. तो एट मतलब एकदम स्पेसिफिक, बैक यानी आपके पास टाइम फ्रेम रहता है कि भाई यहाँ 6 बजे तक आ जाऊंगा, तक आ जाऊंगा. तो आपके पास ऑप्शन होता है कि शायद आप एक आध मिनट इधर उधर लेट हो जाएं, बट एट में वो ऑप्शन नहीं होता है. अप टू अ सर्टेन टाइम, बाय 11 o'clock आई हैव रेड 5 pages, बाय 12 o'clock आई विल फिनिश दिस वर्क. यानी एक आप टाइम फ्रेम दे रहे हैं कि इस वक्त तक मैं काम फिनिश कर दूंगा, इस वक्त तक मेरी चीजें हो जाएंगी. तो वहां पे भी हम बाय का इस्तेमाल करते हैं. ओके तो हमने ये पढ़े प्रेपोजिशंस ऑफ टाइम. इतने सारे प्रेपोजिशंस हैं, याद रहे? दैट इज माय क्वेश्चन. विल यू बी एबल टू रिमेम्बर दीज प्रेपोजिशंस? क्योंकि अभी हमने जिस तरह पढ़ा है ना, उससे 3 times मोर और पढ़ने हैं. सो शैल वी कंटिन्यू? यस सर. निखिल, राजश्री, नेहा, केवल एंड आई डोंट नो और कौन कौन है, बट ऑल द पार्टिसिपेंट्स कैन वी कंटिन्यू? ओके, अगर आपको बाद में ऐसा लगे कि याद नहीं रह रहा है या किसी का कुछ समझ नहीं आ रहा है, प्लीज कॉन्टेक्ट ऑन व्हाट्सएप. ऐसा होगा तो आई विल पुट द लिस्ट ऑन द व्हाट्सएप लेटर ऑन. ओके, तो यू ऑल कैन गो थ्रू दैट लिस्ट. We go to the next part. अभी हमने देखा था prepositions of time. अब हम देखेंगे prepositions of place. जहाँ पे हम position, direction, ये सारी चीजें बताएंगे. भाई इसके ऊपर रखा है, इसके नीचे रखा है, यहाँ जाना है, वहां जाना है, इस जगह पे जाना है, वो सारी चीजों का हम बात करेंगे. The first one is in. कहाँ पे in का इस्तेमाल करते हैं? जहाँ पे भी हम अंदर होते हैं. In the room, in the building, in the street, in the town, in the country, in the kitchen, in London. तो जहाँ पे भी हम अंदर होते हैं वहां पे हम इनका इस्तेमाल करते हैं. Book, paper, जहाँ पे in the book, book के अंदर क्या है भाई, paper के अंदर क्या है भाई, book, paper. अगर आप travel कर रहे हैं, in the car, in a taxi, ठीक है, तो वहां पे आप travel करते वक्त use कर सकते हैं. In the picture, I can see a beautiful girl. In the picture, in the world, there are many countries. तो यहाँ सब जगह किसी भी चीज में अगर आप अंदर की बात करते हैं तो हम इस्तेमाल करते हैं इनका. द नेक्स्ट वन इज एट. एट यानी मीनिंग नेक्स्ट टू या फिर उस जगह पर. कैसे? एट द डोर, एट द स्टेशन, मतलब द पार्सल इज केप्ट एट द डोर. वो ऑब्जेक्ट नेक्स्ट टू द डोर है, डोर के पास रखा हुआ है, तो एट द डोर. एट द स्टेशन यानी स्टेशन पर है. For table, table के लिए आप बोलते हैं at the table, ठीक है, table आपके पास. The book is kept at the table, on the table, वहाँ पे भी बोल सकते हैं, ऊपर रखे तो on the table, table के पास रखे at the table. Events के लिए आप बोल सकते हैं at a concert, my friend was at a concert on Friday, यानी at concert में थी Friday पे. I will be at the party on the weekend, weekend पे मैं party में होऊंगा. तो इन सारी जगहों पे आप एट का इस्तेमाल कर सकते हैं. फिर या फिर आप कुछ स्पेशल कर रहे हैं या टिपिकल कर रहे हैं, जैसे एट द सिनेमा, एट स्कूल, आई एम एट वर्क, वी ऑल विल बी एट स्कूल. एट द सिनेमा देयर इज अ लवली कियोस्क ऑफ पॉपकॉर्न. व्हाट डू यू मीन बाय कियोस्क? के आई ओ एस के, कियोस्क. एनी आइडिया क्या होता है? Kiosk, आप थिएटर्स में जाते हैं ना, यहाँ पे तो छोटे छोटे थिएटर्स हैं, बट इफ यू गो टू मल्टीप्लेक्सेस इन बिग सिटीज, वहां पे आप देखेंगे कि कियोस्क होते हैं. कियोस्क ऑफ पॉपकॉर्न, कियोस्क ऑफ समोसास, कियोस्क ऑफ सम चाट एंड ऑल दोस थिंग्स.
तो जो स्टैंड्स होते हैं ना वो सबको हम कियोस्क बोलते हैं, या फिर आप मॉल में जाते हैं तो छोटे छोटे होंगे जहाँ पे कुछ ज्वेलरी रखी होगी, कहीं परफ्यूम्स रखे होंगे, कहीं पे कुछ मेकअप आइटम्स रखे होंगे, बेल्ट्स रखी होंगी, तो वो शॉप्स नहीं होते हैं, वो छोटे छोटे काउंटर्स होते हैं, उनको बोला जाता है कियोस्क। ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन, ऑन। ऑन कब यूज करते हैं? जब हम किसी भी अटैचमेंट की बात करते हैं, जैसे द पिक्चर ऑन द वॉल इज ब्यूटिफुल। हम एक जगह की बात करते हैं जहां पे रिवर है, लंदन लाइज ऑन द बैंक्स ऑफ थेम्स, हरिद्वार इज द सिटी ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर गंगा। तो यहाँ पे जब भी हम किसी प्लेस की बात करते हैं विच इज अटैच टू अ रिवर, तो वहां पे हम ऑन का इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी सरफेस पे कोई चीज रखी हो, द बैग इज लाइंग ऑन द फ्लोर, ओके, द बुक इज लाइंग ऑन द टेबल, तो सरफेस की बात करते हैं तो वहां पे हम ऑन का इस्तेमाल करते हैं। अगर हम किसी साइड की बात करते हैं तो ही इज स्टैंडिंग ऑन माई लेफ्ट, माई टीचर इज स्टैंडिंग ऑन माई राइट, तब हम किसी सर्टेन साइड की बात करते हैं तब भी हम ऑन का इस्तेमाल करते हैं। फ्लोर्स, अगर आपकी हाई राइज बिल्डिंग है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, तो माई फ्रेंड लिव्स ऑन द फर्स्ट फ्लोर बट आई लिव ऑन द सिक्स्थ फ्लोर, तो वहां पे आप बात कर सकते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात कर सकते हैं, ही वॉज राइडिंग ऑन द बस टू हिज ऑफिस, तो बस में जा रहा था। आई एम यूजिंग अ प्लेन, आई एम गोइंग ऑन अ प्लेन, और आई एम फ्लाइंग ऑन अ प्लेन, तो ऑन अ प्लेन। टेलीविजन रेडियो के लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, द सीरियल वॉज शोन ऑन टीवी, और देयर वॉज अ चैट ऑन द रेडियो, और ऑन द रेडियो करीना कपूर इंटरव्यूड क्या नाम है उसका, मलाइका अरोरा खान। तो ये सारी चीजें भी आप बात कर सकते हैं व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट पोजिशन एंड डायरेक्शन। द नेक्स्ट इज अगेन prepositions of place, position and direction की ही बात कर रहे हैं हम। कुछ और, by, next, to, beside, ये सारी चीजें आप इस्तेमाल करते हैं या कोई आपके लेफ्ट या राइट या आगे लेफ्ट या राइट में खड़ा हो तब आप उसके लिए ये सारी चीजें बात करते हैं। Jane is standing by Rahul, he is standing next to me, beside the car there is a beautiful bike। तो कोई भी चीज आपके लेफ्ट या राइट में हो तो वहां पे आप इस्तेमाल करते हैं ये प्रेपोजिशंस ऑफ प्लेस, बाय, नेक्स्ट टू एंड बिसाइड। व्हाट इज नेक्स्ट? अंडर। अंडर यानी कोई भी नीचे, कोई भी नीचे चीज नीचे, यानी कि वो आप कोई भी चीज नीचे होगी प्लस वो ऊपर जो चीज होगी ना वो उससे कवर्ड होगी। ओके, तो उसपे ऊपर कुछ कवर जैसा होगा तब हम अंडर का इस्तेमाल करते हैं। द बैग इज अंडर द टेबल, माई बुक्स आर केप्ट अंडर द शेल्फ। तो अंडर यानी नीचे, नीचे की तरफ, और कवर्ड थोड़ा कवरिंग होगा उसके ऊपर। बिलो किस लिए यूज होता है? बिलो भी नीचे की तरफ होता है पर अबव द ग्राउंड होता है। द फिश आर बिलो द सर्फेस, मतलब सरफेस के नीचे पर नीचे से ऊपर है, ग्राउंड से ऊपर है। तो कोई भी चीज जो नीचे की तरफ हो बट ग्राउंड से ऊपर हो वहां पे हम बिलो बोलते हैं। लाइक ही इज स्टैंडिंग बिलो माय बालकनी, यानी कि वो मेरी बालकनी के नीचे खड़ा है, ग्राउंड के ऊपर है, मेरी बालकनी से नीचे। ठीक है, ओवर। ओवर हम इस्तेमाल करते हैं जब हम किसी भी चीज को कवर करते हैं पूरी तरीके से। Like, put a jacket over your shirt. The plane is flying over the mountains. तो हम माउंटेन को कवर कर रहा है वो पूरा प्लेन। ओके, तो वैसे हम ओवर का इस्तेमाल करते हैं। ओवर हम तब भी यूज करते हैं जब हम एज की बात करते हैं, मतलब उससे ज्यादा। He is over 21 years of age. मतलब भैया 21 साल से बड़ा है वो बंदा। ओवर 21 ईयर्स ऑफ एज, ओवर 16 ईयर्स ऑफ एज। अगर हम एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, अक्रॉस क्रॉस कर रहे हैं, तब भी हम ओवर का इस्तेमाल कर सकते हैं। लाइक वी आर वॉकिंग ओवर द ब्रिज, तो वहां पे भी हम ओवर का इस्तेमाल
करते हैं. द नेक्स्ट वन इज क्लाइंबिंग ओवर द वॉल, यानी कि हम वॉल को क्लाइंब कर रहे हैं तो उसको भी हम क्लाइंब ओवर द वॉल कर रहे हैं, वॉल के ऊपर से क्लाइंब कर रहे हैं. ओके, द अदर वन इज अबव. अबव यानी कोई भी चीज ऊपर, पर जरूरी नहीं है डायरेक्टली ऊपर. तो इट कैन बी अ पाथ अबव द लेक, अ प्लेन अबव द माउंटेन, अ ट्री अबव द टेम्पल. तो कोई भी चीज ऊपर है पर डायरेक्टली ऊपर हो ऐसा जरूरी नहीं है. अक्रॉस, अक्रॉस यानी कोई भी चीज को क्रॉस करते हैं. तो वॉक अक्रॉस द ब्रिज, स्विम अक्रॉस द ब्रिज. तो कोई भी चीज को अगर आप क्रॉस कर रहे हैं तो उसको हम अक्रॉस बोलते हैं. हेलो मैम, आप म्यूट हो गए हो. हाँ बेटा एक मिनट, हाँ देयर वाज समवन एट माय प्लेस इसलिए. ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट. दीज आर द प्रेपोजिशंस ऑफ पोजिशन एंड डायरेक्शन. अगेन वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट विच इज अगेन पोजिशन एंड डायरेक्शन थ्रू. अगर हम किसी चीज के थ्रू जा रहे हैं, किसी चीज के अंदर से जा रहे हैं तो उसको हम थ्रू बोलते हैं. समथिंग विथ लिमिट्स, टॉप होगा, बॉटम होगा, साइड्स होगा, जहां पे भी लिमिट्स होंगे और उसके अंदर से हम घुस रहे हैं तो वहां पे हम थ्रू का इस्तेमाल करते हैं. वी आर ड्राइविंग थ्रू द टनल. लेट मी टेक यू टू अ वॉक थ्रू द स्लाइड्स ऑफ प्रेपोजिशन. तो स्लाइड्स ऑफ प्रेपोजिशन उसका स्टार्टिंग है, उसका एंड है और आप उसके थ्रू जा रहे हैं. ओके, टू, नेक्स्ट वन इज टू. जब भी हम मूवमेंट बताते हैं, we are going to a cinema, going to London, going to Ireland, going to bed, going to bathroom, going to the kitchen. तो कहीं भी आप जा रहे हैं तो वहां पे आप movement की बात बता रहे हैं तो वहां पे आप to बोलते हैं. The next one is into. To और into का एक फर्क ये होता है कि कहीं आप जा रहे हैं तो आप to की बात करते हैं, लेकिन आप कहीं walking करते करते enter हो रहे हैं तो आप into बोल रहे हैं. I am entering the room, into the room. Please enter into the building. Please go into the kitchen. Please go into the house. यानी कि आप एक जगह से दूसरी जगह enter हो रहे हैं, उसको हम into बोलते हैं. Towards, जब भी हम direction बताते हैं, movement in certain direction. The temple is 5 kilometers towards Silvassa. यानी आप Silvassa की तरफ का direction बता रहे हैं. सिलवासा की तरफ का मूवमेंट बता रहे हैं कि वहां के तरफ 5 किलोमीटर जाएंगे तो आपको वो मंदिर मिल जाएगा. The next one is onto. Onto यानी किसी के ऊपर मूवमेंट हो. I am jumping onto the table. I am jumping onto the bed. किसी चीज के ऊपर आप कूद सको और उसके ऊपर कोई मूवमेंट कर सको तब हम वहां पे यूज करते हैं onto. ओके, फ्रॉम यानी कहां से. आई गॉट अ फ्लावर फ्रॉम द गार्डन. आई बॉट सर्टेन ऑरेंजेस फ्रॉम द ऑर्चर्ड. तो कहां से लेके आया, तो आप कहीं से कुछ लेके आते हैं वहां उसको आप बोलते हैं ऑन, फ्रॉम. आई होप दिस इज क्लियर. विद दिस वी फिनिश द प्रेपोजिशंस ऑफ प्लेस एंड नाउ वी गो टू अदर इंपॉर्टेंट प्रेपोजिशंस, द लास्ट सेट ऑफ प्रेपोजिशंस जो हम नॉर्मली यूज करते हैं. फ्रॉम कब इस्तेमाल करते हैं, जब हमें कोई गिफ्ट मिलता है किसी से या हम कोई चीज लेते हैं किसी से. दिस बुक इज अ प्रेजेंट फ्रॉम माय ब्रदर. तो फ्रॉम माय ब्रदर, मेरे भाई ने मुझे दिया, इसलिए फ्रॉम माय ब्रदर, उसकी तरफ से. ऑफ, ऑफ यानी हम किसी चीज को बिलोंग करते हैं ना, तब हम ऑफ का इस्तेमाल करते हैं. दिस इज अ पेज ऑफ माय बुक. This is the picture of a palace. तो जब भी आप किसी चीज को belong करते हैं तब आप बताते हैं of. By, by हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हम किसी के बारे में बता रहे हैं कि उसने ये काम किया है. This dish is made by Nikhil. This software programming is made by Neha. तो किसी ने ये बनाया है उसके लिए हम by का इस्तेमाल करते हैं. The next one is on.
ऑन हम तब यूज करते हैं जब बस पे जाते हैं, पैदल चलते हैं, हॉर्स बैक पे जाते हैं, कार में जाते हैं, तो वहां पे जब भी हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट, प्राइवेट ट्रांसपोर्ट या चल रहे हैं तो वहां पे हम ऑन का इस्तेमाल करते हैं. आई एम वॉकिंग ऑन माई फुट, आई विल बी गोइंग देयर ऑन हॉर्स बैक, वी विल बी गेटिंग ऑन द बस. तो ये सारी चीज जगह पे हम प्रेपोजिशंस का इस्तेमाल करते हैं. द अदर वन इज इन, इन यानी अंदर घुसे, घुस गए हैं भी. गेट इन द कार मतलब घुस जाओ, ठीक है. जब आप घुस जाते हैं तब आप बोलते हैं गेट इन द कार या घुस जाओ यहाँ से. आई एम गेटिंग इन टू द कार मतलब आपका वो प्रोसेस ऑफ वॉकिंग चालू है, तब आप इन टू द कार बोल रहे हैं. ओके, अगर आप किसी चीज से उतर जाते हो किसी भी व्हीकल से, तो यू आर गेटिंग ऑफ, गेटिंग ऑफ द ट्रेन, गेटिंग ऑफ द प्लेन, गेटिंग ऑफ द कार. तो ये सब भी आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट होता है तो ऑफ बोल सकते हैं. आउट ऑफ द कार भी बोल सकते हैं, आउट ऑफ द टैक्सी भी बोल सकते हैं, दैट इज अनदर वे ऑफ सेइंग इट. बाय हम तब भी इस्तेमाल करते हैं जब कहीं पे प्राइस बढ़ गया हो. द प्राइजेस हैव रिजन बाय 10%. तो जहां पे भी कुछ राइज एंड फॉल होगा, द प्राइजेस हैव फॉलन डाउन बाय 10%, तो वहां पे आप बाय का इस्तेमाल कर सकते हैं. ट्रैवलिंग बाय कार, बाय बस, वी विल बी ट्रैवलिंग बाय कार, बाय बस. एट का हम इस्तेमाल तब करते हैं जब हम किसी स्पेसिफिक एज के लिए बात करते हैं. शी वॉज माई टीचर एट द एज ऑफ 43. 43 के एज पे वो मेरी टीचर थी, तो वहां पे भी हम एट का इस्तेमाल करते हैं. और अबाउट का हम इस्तेमाल करते हैं जब हम किसी भी चीज के बारे में बात करते हैं. वी वर टॉकिंग अबाउट यू, वी वर टॉकिंग अबाउट द बुक्स, we were talking about the report that we have to make. तो हम किसी भी चीज के बारे में जब भी हम बात करते हैं तब हम about का इस्तेमाल करते हैं. Okay, so with this we finish the prepositions. और हम आगे एक दो और चीजों की बात करने वाले हैं which you just have to remember. उसके बेस पे आंसर एप्टीट्यूड में क्वेश्चन यूजली तो नहीं आते, बट स्टिल यहाँ पे एक चीज मैंने बताई है जहां पे वर्ब और प्रेपोजिशंस, वर्ब यानी आपकी क्रिया जो भी आप काम करते हैं, तो वर्ब और प्रेपोजिशन के कॉम्बिनेशंस हैं इंग्लिश में जिससे उनका मतलब बदल जाता है. जैसे यहाँ पे डायरेक्शन और पोजिशन बताने के लिए यहाँ पे आया आपका वर्ब आया गो, गो अप. तो ये एक आसान सा कॉम्बिनेशन, गो अप मतलब ऊपर जाओ, गो डाउन यानी नीचे जाओ, गो इन यानी अंदर जाओ. तो ऐसे प्रपोजिशंस भी है हमारे पास वर्ब एंड प्रपोजिशंस के कॉम्बिनेशंस. कुछ और प्रपोजिशंस के कॉम्बिनेशन है वर्ब के साथ, जैसे डिपेंड ऑन हर, डिपेंड इज वर्ब, यहाँ पे हर आपका जो है ना प्रोनाउन आ गया, तो वर्ब नाउन या प्रोनाउन प्लस प्रपोजिशन, ऐसे भी कॉम्बिनेशंस आपको मिलते हैं इंग्लिश में. जोक अबाउट हिम, जोक हमारा वर्ब है, अबाउट हमारा प्रपोजिशन है, हिम हमारा प्रोनाउन है. लाफ एट देम, ऐसे प्रपोजिशंस भी आपको मिलते हैं जहाँ पे वर्ब होगा, प्रपोजिशंस होगा और नाउन होगा, या फिर जहाँ पे वर्ब और प्रपोजिशन सिर्फ ये दोनों होंगे. The next one, the last one for today is called as the phrasal verbs. Phrasal verbs वो चीजें होती हैं जो आपको verbs are followed by prepositions और उनकी वजह से पूरा का पूरा meaning बदल जाता है. For example, यहाँ पे हमने एक verb लिया turn. यहाँ पे हमने बोला turn off, यानी कि भाई बंद कर दो. Turn back, यानी वापस चले जाओ. Turn down, मतलब आप मना कर दो. टर्न ऑन यानी कि आप चालू कर दो. तो ये सारी की सारी चीजें आपके वर्ब्स और प्रपोजिशंस को जब मिलाते हैं तो चीजों का मतलब बदल जाता है. और ये फ्रेजल वर्ब्स का कॉम्बिनेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है कई बार याद रखने के लिए, बट जनरल इंग्लिश में काफी ज्यादा इनका इस्तेमाल होता है. ओके, सो वी हैव लर्न्ड ऑल अबाउट प्रपोजिशंस, वी सॉ सर्टेन कॉम्बिनेशंस ऑफ verbs and prepositions, and we also saw certain combinations of word, preposition and noun, and we learned something about phrasal verbs. Okay, now based on these
we will have certain practice questions. ये practice questions में जो जो करना है वो आपके practice question के साथ मैं आपको बताती जाऊंगी. Let's see again. The one who answers most questions wins 20. ठीक है, अभी last time का मैंने लिखा है, देखते कौन जीता है. यहाँ में मैंने आपको एक पिक्चर दिखाई है where there is a Santa Claus and there is a girl. ओके, पीछे एक क्रिसमस ट्री है, यहाँ पे कुछ गिफ्ट्स पड़े हुए हैं और यहाँ पे एक बैग पड़ा हुआ है. तो यहाँ पे आपको एक पिक्चर दिख रही है. ये पिक्चर को आपको अच्छे से देखना है और आपको ये सारे के सारे क्वेश्चंस का जवाब देना है. मैंने क्योंकि ये फर्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस है इसलिए मैंने आपके लिए चीजें आसान करने के लिए यहाँ पे कुछ प्रेपोजिशंस दिए गए हैं, ऑन, इन, अंडर, टू, बिहाइंड, एट. इन्हीं प्रेपोजिशंस में आपको ये सारे के सारे 8 क्वेश्चंस आपको करने हैं एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. आपको ये देखना है, पिक्चर देखनी है और यहाँ पे आपके पास कुछ 8 फिलिंग द ब्लैंक्स है, ऊपर प्रेपोजिशंस है, आपको वो प्रेपोजिशंस इसमें रखनी है. आई थिंक आई एम वेरी क्लियर. आपको ये पिक्चर देखनी है, पिक्चर के बेस पे ये 8 फिल इन द ब्लैंक्स आपको करने हैं और इनमें 6 प्रीपोजिशंस का इस्तेमाल होगा और वो ये 6 प्रीपोजिशंस ऊपर दिए गए हैं. मैम फर्स्ट वाला एक काम करिए निखिल, पहले सारे लिख लीजिए फिर मैं आपको. लिख लिया, वेरी नाइस. तो वेट करें 2 मिनट, एक मिनट और, फिर उसके बाद आई टेल यू द आंसर्स एंड यू कैन चेक. यहाँ पे मैंने आंसर्स पहले ही लिख दिए. ओके द अदर्स, केवल की आवाज नहीं सुनाई दी मुझे आज. ओके, इन ऑन टू टू, इन ऑन टू, इन डिसाइड ऑन. नेहा ने बता दिया, राशि ने बता दिया, निखिल इज डन. इन इन चलिए आंसर बता दे, टाइम इज अप, लेट्स गो टू द आंसर पार्ट एंड हियर कम्स योर आंसर. वेयर इज योर आंसर? इट हैज गॉन समवेयर. Okay, the first one is in. In the picture, I can see Santa Claus and a girl. Number 2, Santa is sitting on a chair. The girl is standing next to Santa. Santa and the girl are looking at each other. The girl has a present in her hands. Behind the girl, there is a Christmas tree. There are more presents under the tree. Santa's big bag is lying on the floor. I hope everyone has done it. कितने लोगों का गलत हुआ? एक एक का नाम लेके पूछे क्या? Second last गलत हुआ. Okay. What about Nawaz, Rashri, Neha, Keval, Dheeraj? श्रद्धा, आई थिंक मैम 6 राइट हुए. 6 राइट हुए. निशांत, अच्छा निशांत इज आल्सो देयर. हाय निशांत, कितने राइट हुए? मैम 6. 6, ओके. तो 6 से ज्यादा किसके राइट हुए? मैंने किसी के नहीं, मेरा. तुम्हारा केवल? अरे वाह. कितने राइट हुए? I'm so right. क्या बात है, सही. चलिए केवल ने सब राइट किए. अदर्स बक्का अपने इधर, इस बार का प्राइस केवल को. मुझे बड़ा मजा आएगा. उससे पहले आंसर पूछने के बाद आंसर दिखाना था. अच्छा, ऐसा कर रहा था क्या? चैट बॉक्स में डाल दो आंसर, मैं पढ़ ले रही हूँ. ओके, अगेन वी हैव अ पिक्चर. ठीक है,
ये रही आपकी पिक्चर. बेस्ड ऑन दैट आपको कुछ फिलिना ब्लैंक फुलफिल करने हैं. मैंने आपको चॉइसेस दे रखी हैं एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. 5 मिनट, 1 मिनट का ही है इसमें, किसी से 5 है. गेम बॉय मैंने लिखा है. गेम बॉय नंबर 4 और नंबर 5 में आता है. गेम बॉय इज नथिंग बट अ गेमिंग कंसोल. छोटा सा गेमिंग कंसोल आता था ना पहले गेम खेलने के लिए, सो दैट इज कॉल्ड एज अ गेम बॉय. तो आपको इस्तेमाल करना है ऑन, इन, एट, बिटवीन, और आपको ये आंसर्स पूरे करने हैं अकॉर्डिंग टू द पिक्चर. एंड यू विल नॉट गेट मोर देन 1 मिनट. सिर्फ 5 है. Yes, ma'am. Okay, time is up. First one, in the picture, there are 3 kids. The girl is standing between the 2 boys. The boy with the green shirt is at the right. He has a game boy in his hand. The kids are looking at his game boy. Okay, fourth and fifth में मैम थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है. मेरा भी सेम आंसर मैम. सेम आंसर. ओके चलिए आंसर देखते हैं. इन द पिक्चर देयर आर 3 किड्स. 3 बच्चे दिख रहे हैं पिक्चर में. द गर्ल इज स्टैंडिंग बिटवीन द 2 बॉयज. द बॉय विद द ग्रीन शर्ट इज ऑन द राइट. राइट साइड पे है, ऑन द राइट. ही हैज अ गेम बॉय इन हिज हैंड. The kids are looking at his game boy. So, ये है हमारे answer. Okay, कि कोई ऐसा है? I believe and I trust you कि आप लोग मुझे सही जवाब देंगे. 5 में से 5 right किसके आए? एक wrong आया मैम. एक wrong आया. Between in केवल का भी wrong आया. नेहा 4 at. Okay. चलिए अब आते हैं हमारे नेक्स्ट उस पे. अब यहाँ पे आपको कोई भी प्रीपोजिशंस ब्रैकेट्स में नहीं मिलेंगे. आपको खुद सोच के लिखना है एंड द टाइम हैज स्टार्ट. आपको अपने आप फिल इन द ब्लैंक्स भरने हैं बेस्ड ऑन योर नॉलेज ऑफ इंग्लिश एंड प्रीपोजिशंस. Eight questions, eight answers. बहुत common questions पूछे हैं मैंने. Common चीजें हैं जो आप day to day life में use करते हैं. वो prepositions आपने पढ़े भी होंगे कहीं पे. Science में पढ़े होंगे. जो road science होते हैं उसमें पढ़े होंगे. मैम डन. डन. ओके 1 मिनट भी खत्म होने वाला है एंड योर टाइम इज ओवर. निखिल का डन है. बाकी सबका क्या? चैट में मेरे पास आंसर आए. निशांत ने मुझे 5 के आंसर दिए हैं. नेहा ने 2 के, 3, 4. Okay, let's do one thing. I have got the answer of Neha and Nishant and Rashri and Nikhil ne kar liya hai. Baki sab mujhe nahi pata. So let's see ki bhai aapka answer kya hai and you can check your answers. Ye rahe aapke answers. Would you like to go to the cinema tonight? No thanks. I was at the cinema yesterday. There is a bridge across the river. River को cross करते हैं ना इसलिए उसको हमेशा across बोला जाता है. The flight from Leipzig to London was via Frankfurt. ये तो बहुत common है. Via जाते हैं ना चीजें. Okay. On my wall there are many picture postcards. Who is the
person in this picture. Come into the sitting room. आप किसी को बुला रहे हो. Come into the sitting room. We want to watch TV. Munich lies 530 meters above sea level. Above sea level, below sea level तो आपको पता ही है. Obviously below तो हो ही नहीं सकता. Above होगा. तो कितने लोगों के 8 में से 8 सही हैं? मुझे यहाँ पे पता है कितने जो उन्होंने चैट में डाला है कि किस किस के सही नहीं है. मैम 3 अलग हैं मेरे. 3 अलग हैं. थर्ड वाले में ओवर नहीं लिख सकते? नहीं. ओवर ब्रिज यूजुअली जो है ना रोड्स के ऊपर बनाते हैं. अक्रॉस रिवर के अक्रॉस जो ब्रिज होता है वो अक्रॉस ही होता है. और फोर्थ में एट? नहीं बाबा. द फ्लाइट फ्रॉम लिपिक टू लंदन. ये मतलब आपकी फ्लाइट लिपचिक से लंदन जा रही है तो वो वाया फ्रैंकफर्ट जा रही है. यानी कि फ्रैंकफर्ट पे एक स्टॉप होगा और फिर जाएगी. और अगर हम एट लिखते हैं तो इसका मतलब वो वहां पे स्टॉप पे रुकी हुई है. हाँ इसका मतलब है कि वहां पे रुकी हुई है. मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि जो प्लेन है ना लिपिक से लंदन जाने वाला प्लेन वो फ्रैंकफर्ट पे है. हाँ. वो फिजिबल नहीं हुआ ना. वो करेक्ट कैसे हुआ? टेक्निकली करेक्ट नहीं हुआ ना. तो इसलिए वहां पे वाया ही आएगा. या फिर आप थ्रू बोल सकते हो अगर आपको वाया नहीं डालना है एंड यू वांट अ डिफरेंट प्रीपोजिशन फॉर इट तो वहां पे आप थ्रू का इस्तेमाल भी कर सकते हो. लेकिन वाया इज अ बेटर आंसर. आई थिंक एवरीवन इज डन. आंसर्स आप लोगों ने लिख लिए हैं और कर लिए हैं एंड वी गो टू द नेक्स्ट पार्ट. मुझे पिक्चर्स अच्छी लगती है इसलिए मैंने कोशिश किया कि आपको हर जगह पिक्चर वाले ही प्रीपोजिशन दें. ओके यहाँ पे आपको एक पिक्चर दिख रहे हैं जिसमें 4 लोग दिख रहे हैं और इनके बेस पे आपको करने हैं ये आंसर सॉल्व. और ये रहा आपका टाइम. मैंने नहीं दिया है कुछ भी यहाँ पे. अब आपको इनको देख के प्रीपोजिशन ऐड करना है. Dash the picture. There are 4 people. A couple is sitting dash the table. They are sitting dash chairs. The drinks are dash the table. One woman is standing dash the table. Dash her is a man who is barber queen. 4 log hai. 2 ladkiyan, 2 ladke. And they all are doing something. According to this picture, you have to complete the exercise. Six questions, 1 minute mein aram. Done, ma'am. Haan, aram se 1 minute mein hota hai. Chat pe bhi aa gaye hain. Nishant, main nahi bataungi abhi answer. निशान नेहा सारे आंसर्स दे रहे हैं. निखिल का भी हो गया है. टाइम पूरा हो गया है. लेट्स सी क्या आंसर्स हैं. इन द पिक्चर देयर आर 4 पीपल. ऑब्वियसली पिक्चर में है ना. इन द पिक्चर अ कपल इज सिटिंग अंडर द टेबल. डू यू थिंक इट इज करेक्ट मैम? अलोंग द टेबल नहीं. अलोंग यानी बाजू में. साइड में से कुछ रहता है ना. पैरेलली कोई चीज होती है. I was walking along the banks of the river, along the railway tracks. वहाँ पे along कर सकते हैं. Along the table नहीं होगा. Under the table इसलिए होगा क्योंकि उनके पैर पूरे टेबल के नीचे हैं. So they are sitting under the table. जबकि ये actually under the table होता है. टेबल के नीचे ही बैठ गए. लेकिन यहाँ पे उसके better कोई और prepositions यहाँ पे लग नहीं सकता है. They are sitting on chairs. Chair के ऊपर बैठे हैं ना. The drinks are on the table. Table के ऊपर रखे हैं. On the table. One woman is standing in front of the table. Table के आगे खड़ी है. In front of. Behind her is a man who is barbecuing. उसके पीछे एक आदमी है जो barbecue कर रहा है. So these are the answers from the picture. Let's go to the next one. I think this is the last. Ma'am. हाँ जी बोलिए. Hello. बोलो.
मैम फिफ्थ वाले में बिसाइड नहीं हो सकता, इन फ्रंट ऑफ की जगह पे अ वुमन, वन वुमन इज स्टैंडिंग बिसाइड द टेबल नेक्स्ट अ मैन, वो बारबेक्यूइंग वाला जो बंदा है ना, ही इज स्टैंडिंग बिसाइड द टेबल या बिसाइड द बारबेक्यू मशीन, उसके बाजू में खड़ा है. ये बाजू में नहीं खड़ी है, ये आगे खड़ी है, क्योंकि आप फोटोग्राफ सामने की तरफ से देख रहे हैं, तो इसलिए इन फ्रंट ऑफ द व्यूइंग ऑफ द फोटोग्राफ इज फ्रॉम द फ्रंट, तो आप सामने की तरफ से देख रहे हैं इसलिए इट इज इन फ्रंट ऑफ. ठीक है, अगर आप फोटोग्राफ साइडवेज देखते जहां पे वो आदमी बैठा हुआ है ना, उसके अलाइनमेंट से देखते, तो वहां आप शायद कह सकते थे कि द लेडी इज स्टैंडिंग बिसाइड द टेबल. समझे? ओके मैम. ओके अगेन वी हैव टू कंप्लीट द एक्सरसाइज यूजिंग अ पिक्चर. ये आपकी पिक्चर आ गई और यहाँ पे आ गया है आपके पांच क्वेश्चन. एंड आई रियली विश जिसने फिफ्थ नंबर क्वेश्चन का आंसर सही दिया ना, उसके तरफ से तुरंत प्राइस मनी 20 रुपीज पेटीएम. वेरी सिंपल प्रपोजिशंस. एक पिक्चर है, उसको देख के आपको पांच फिल इन द ब्लैंक्स फिल करने हैं विद प्रपोजिशंस एंड 1 मिनट इज इनफ फॉर दीज प्रपोजिशंस. डन मैम. ओके बाकी सब ओके. मेरे पास चैट में भी आंसर्स आ गए हैं. गड़बड़ हो गई. फिफ्थ वाला राइट था मेरा. फिफ्थ वाला राइट था तुम्हारा. गलत बात, तुमने पिक कर लिया. अब मैं बता देती हूँ, टाइम भी खत्म हो गया. ओके द फर्स्ट वन इज लुक एट दिस पेंटिंग. इन द पेंटिंग यू कैन सी अ लिटिल गर्ल. सो इट इज अ पेंटिंग ऑफ अ गर्ल. A famous painter painted it. So it is a painting by a famous painter. My grandma once owned the painting, but she gave it to me on my birthday. So it is a picture from my grandma. मैंने आपको कहा था जब भी गिफ्ट आता है तो आप बोलते हैं from. So it is a picture from my grandma. निखिल का तो राइट हुआ, और किस किस का राइट हुआ? किसी और का राइट हुआ हो तो बोल दीजिए, मैं अभी कर दूंगी 20 रुपीज पेटी है. नो मैम. नो. अच्छा चलिए, देन दिस फिनिशेस द प्रीपोजिशंस. आई नो इट इज अ वेरी वेरी लॉन्ग लिस्ट ऑफ प्रीपोजिशंस दैट यू हैव टू रिमेम्बर. इफ यू वांट आई कैन सेंड यू दिस लिस्ट इन ऑन व्हाट्सएप इफ यू वांट टू. अगर yes, आपको चाहिए, आपको चाहिए तो आप मैं लक्ष्मी के ग्रुप पे तो मैं डाल ही दूंगी. बाकी अगर किसी लोगों को चाहिए तो प्लीज मुझे पर्सनली मैसेज कर देना, मैं आपके ग्रुप पे आपको वो लिस्ट भेज दूंगी. ओके सो वी लर्न मोर अबाउट द प्रीपोजिशंस, उन क्या क्या उनका काम है, प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम, प्रीपोजिशंस ऑफ पोजिशन, प्लेस, एवरीथिंग. एंड देन वी डिड सर्टेन क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द पिक्चर्स दैट वर गिवन. And we did it well. So thank you very much, everyone. So this is Rima Khetan signing off. हाँ बोलिए नेहा. Miss, मैं आपसे नाराज हूँ. क्यों? इसके पहले भी तो हो रहा था ना, ये lecture आप ले रहे थे ना, तो हमारे group में क्यों नहीं send किया? क्योंकि मैंने बीच के जो sessions थे वो नहीं लिए. Hello. हाँ बोलिए. वो कंटिन्यूएशन में जो सेशंस थे, बीच के जो सेशंस थे वो मैंने नहीं लिए. मुझे सिर्फ लास्ट के 4-5 सेशंस मैंने लिए, ये लक्ष्मी वालों के लिए, क्योंकि उनका पहले का सारा पार्ट फिनिश हो गया था और मेरे पास और सर के पास टाइम नहीं हो रहा था कि हम सारा का सारा सेशन पूरा ले. तो डायरेक्ट हम आपके लिए लास्ट पे जम्प नहीं कर सकते थे क्योंकि बीच के 10 हाँ. सेशन मिस कर दिए थे हमने, तो वो 10 सेशंस मैंने नहीं लिए, डायरेक्ट जम्प किया
और वो जंप इसलिए किया क्योंकि ये हमारे लक्ष्मी वालों को मैं ऑलरेडी क्लास में हम लोग ये करवा चुके थे, इसलिए मैंने वो चीज आपके में पोस्ट ही नहीं की। पर क्योंकि अब नया सेशन है, इंग्लिश है और पूरा नया शुरू से शुरू कर रहे, इसलिए फिर मैंने आपके उसमें वापस से पोस्ट कर दिए। Bye, ma'am. Thank you, ma'am. Bye-bye.